हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और हाईवे इंजीनियरिंग की एक और क्वालिटी टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और इस टेस्ट का नाम है लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, जो कि हमारे एग्रीगेट पर किया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्रेंड। और इसके लिए जो मेथड और प्रोसीजर है वो IS 2386 पार्ट 4 में दी हुई है। लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू फ्रेंड हमारे जो एग्रीगेट होता है, जिसे आप बेस कोर्स या सब बेस में यूज करते हैं, तो वो एग्रीगेट के ऊपर जब आपका ट्रैफिक मूवमेंट होता है, तो ट्रैफिक मूवमेंट के कारण जो हमारी एग्रीगेट की सरफेस है वो एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण कुछ टूटने लगती है, जिससे जो हमारा एग्रीगेट है उसमें वेट में लॉस हो जाता है। तो वही जो वेट लॉस है जो कि एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण हमारे एग्रीगेट में होता है, वो होता है उसकी एब्रेशन वैल्यू। तो एज़ पर IS 2386 पार्ट 4 एब्रेशन वैल्यू के लिए फ्रेंड, जो इस इमेज में आप एक सिलेंडर नुमा एक अपरेटस देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट मशीन। ठीक है, इस मशीन के बारे में पहले हम फ्रेंड जान लेते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसके बारे में और डिटेल जानकारी हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड। लॉस एंजलिस मशीन, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन कन्फर्मिंग इन ऑल इट्स इसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू द बिगेन सोन सेल बी यूज द मशीन सेल कंसिस्ट ए होलो स्टील सिलेंडर closed edge both end having a inside diameter of 700 mm and inside length of 500 mm। ये जो आप एब्रेशन वैल्यू टेस्टिंग मशीन में सिलेंडर देख रहे हैं फ्रेंड, ये सिलेंडर का जो इंटरनल डाया है वो 700 mm होता है, और जो इसकी लेंथ होती है, एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 500 mm। फ्रेंड इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा, और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में अंत तक बता दूंगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड। इस टेस्ट में यूज आने वाला एक और एपरेटस है द IS 1.7 mm की ISC भी आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट है हमारा एब्रेसिव चार्ज। द एब्रेसिव चार्ज सेल कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन स्पेयर्स और स्टील स्पेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 48 mm इन डायामीटर एंड ईच वेट बिटवीन 390 grams टू 445 grams। ये जो आप इमेज में मेरे हाथ में जो स्टील वॉल देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारे कहलाते हैं एब्रेसिव चार्ज, और इनका जो डायामीटर होता है वो अप्रॉक्स 48 mm के आसपास डायामीटर होता है, और इस एक वॉल का वेट होता है या एक स्पेयर का वेट होता है हमारा 390 ग्राम से लेके 445 ग्राम। फ्रेंड द एब्रेसिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये जो आपकी एब्रेशन वैल्यू टेस्टिंग की मशीन होती है, इसमें आप एग्रीगेट के साथ ये स्फेरिक बॉल्स या जो स्टील स्पेयर्स होते हैं इनको भी आप एग्रीगेट के साथ डाल देते हैं, लेकिन अब नंबर्स ऑफ वॉल यानी कितने स्पेयर्स या कितनी वॉल आपको एग्रीगेट के साथ डालनी है, ये हमारा डिपेंड करता है एग्रीगेट की ग्रेडिंग पर। अब एग्रीगेट की ग्रेडिंग आप लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू के लिए कैसे डिसाइड करते हैं वो भी हम आगे समझते हैं। लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट में फ्रेंड ग्रेडिंग हमारी 7 प्रकार की होती है, जिसे हम ABCDEFG इस प्रकार से उनका नोमेनक्लेचर करते हैं फ्रेंड। तो ग्रेडिंग ए में हमारे नंबर और स्पेयर्स यूज होंगे 12, और वेट ऑफ चार्ज रहेगा 500 ग्राम प्लस माइनस 25 ग्राम। ग्रेडिंग बी के लिए हमारे नंबर्स ऑफ स्पेयर्स यूज करना है 11, और वेट ऑफ चार्ज हो जाएगा 4584 ग्राम। ग्रेडिंग सी में हमारे नंबर्स ऑफ स्पेयर्स रहेंगे 8, ग्रेडिंग डी के लिए नंबर ऑफ स्पेयर्स रहेंगे 6, ग्रेडिंग ई के लिए नंबर्स ऑफ स्पेयर रहेंगे 12, ग्रेडिंग एफ के लिए नंबर ऑफ स्पेयर रहेंगे 12, ई एफ जी दोनों के लिए जो नंबर ऑफ स्पेयर्स आपको यूज करना वो 12 नंबर यूज करना फ्रेंड। यानी कि ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ स्पेयर्स आपका जो सिलेंडर है उसमें इंसर्ट करना है। फ्रेंड टेस्ट सैंपल के लिए क्या करना है आपको, द टेस्ट सैंपल सेल कंसिस्ट ऑफ क्लीन एग्रीगेट विच हैज़ बीन ड्राइड इन एन ओवन 805 degrees टू 110 degrees सेंटीग्रेड टू सब्सटेंशली कॉन्स्टेंट वेट एंड सेल कन्फर्म टू वन ऑफ द ग्रेडिंग सोन इन टेबल 2। द ग्रेडिंग और ग्रेडिंग यूज्ड सेल विद दोज मोस्ट नियरली रिप्रेजेंटेटिंग द एग्रीगेट फर्निश्ड फॉर द वर्क।
ये बोलना चाह रहे हैं जो आपका टेस्ट सैंपल आप लॉस एंजलिस एब्रेशन मशीन में इंसर्ट करेंगे उसको ओवन ड्राई कर लेना चाहिए 105 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर, और किसी भी एक ग्रेडिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कोई भी एक ग्रेडिंग आपको कंफर्म करनी है कि आपका एग्रीगेट इस ग्रेडिंग में से किस ग्रेडिंग में आपका सेट हो रहा है। तो फ्रेंड अब एक नया क्वेश्चन ये हो रहा है कि आपको इन सातों ग्रेडिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कौन सी ग्रेडिंग किस एग्रीगेट के लिए फॉलो करनी है, तो वो भी हम आईएस कोड 2386 के टेबल नंबर 2 से डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में मैं इसको आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। ओके, तो अब हम चलते हैं कि आप ग्रेडिंग कैसे कंफर्म करेंगे कि आप जिस एग्रीगेट का लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करने जा रहे हैं वो सातों ग्रेडिंग में से किस ग्रेडिंग में फिट हो रही है। जैसे हमारी ग्रेडिंग ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो सात टाइप्स की ग्रेडिंग हैं एब्रेशन वैल्यू टेस्ट के लिए, इनमें से किस ग्रेडिंग में आपका एग्रीगेट फिट हो जा रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड स्टैंडर्ड दे रखा हमें, सीव साइज लेना है स्क्वायर होल टाइप की, पासिंग रहेगा 80 mm से और रिटर्न रहेगा 63 mm, पासिंग 63 mm से रिटर्न रहेगा 50 mm, पासिंग 50 mm से लेके रिटर्न होगा 40 mm, फिर पासिंग 40 mm और रिटर्न 25 mm, पासिंग 25 mm रिटर्न 20 mm, पासिंग 20 mm रिटर्न 12.5 mm, पासिंग 12.5 mm रिटर्न 10 mm। इस प्रकार से ये हमारा सीविंग ऑर्डर दे रखा है, यानी इतने प्रकार की सीव आपको एब्रेशन वैल्यू टेस्ट में लेनी है। अब चलिए सपोज करते हम मानते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट है वो 20 mm नॉमिनल साइज का एग्रीगेट है, तो जो हमारा अगर 20 mm नॉमिनल साइज का एग्रीगेट होगा तो वो हमारा 20 mm की सीव से पास हो जाएगा और 10 mm की सीव पे रिटर्न हो जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो हमारा जो एग्रीगेट आ जाएगा, ठीक है, वो हमारा एग्रीगेट आ जाएगा बी ग्रेडिंग में। आपको एक विजुअली आइडिया लगाना है कि जो आपकी एग्रीगेट का नॉमिनल साइज है वो क्या है, 20 mm है, 10 mm है, 40 mm है, 60 mm है, क्योंकि एब्रेशन वैल्यू टेस्ट में फ्रेंड हम 80 mm से लेके 2.36 mm साइज तक का एग्रीगेट टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके मैक्सिमम सीव साइज है 80 mm और मिनिमम सीव साइज है 2.36 mm, तो इसके बीच का जो मटेरियल वो आप एब्रेशन वैल्यू टेस्ट में यूज कर सकते हैं। तो हम नॉमिनल साइज मान लिया हमारा 20 mm है, तो हम बी टाइप की ग्रेडिंग को फॉलो करेंगे, और बी टाइप की ग्रेडिंग को फॉलो करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, हम सीव यूज करेंगे बी में। अगर हम बी जोन बी ग्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें सीव लगेगी हमारी 20 mm, 12.5 mm और 10 mm, ये तीन ग्रेडिंग हमें यूज तीन सीव हमें यूज करनी है। तो हम 20 mm से पास और 12.5 mm पे रिटर्न ले लेंगे 2500 ग्राम, यानी कि 2500 ग्राम सैंपल हमें चाहिए 20 mm से पास और 12.5 mm पर रिटर्न, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए 12.5 mm से पास और 10 mm पर रिटर्न मटेरियल भी चाहिए होगा 2500 ग्राम, ठीक है। इन दोनों मटेरियल को 2500 के वेट में मिलाकर हम लगभग 5 किलो सैंपल बना लेंगे, ठीक है। 5 किलो सैंपल बनाने के बाद हम इसको जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर डाल देंगे, और अगर हम बी टाइप की ग्रेडिंग है तो बी टाइप में जो स्फेयर्स हैं, नंबर ऑफ स्फेयर्स हैं, वो हमें कितने लेना है हम एक बार देख लेते हैं, ठीक फ्रेंड। तो बी टाइप की ग्रेडिंग के लिए हमें नंबर्स ऑफ स्फेयर्स रहेंगे 11, यानी कि हमें 11 बॉल्स यूज करनी है। चलिए अब इसका हम एक बार लाइव प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस पर स्पेसिफिकेशन जो आपको सीव यूज करनी है उन सीव पर हम एग्रीगेट का सीविंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सीविंग ऑर्डर है, जैसे 20 to 16 mm, यानी 16 mm पर रिटर्न हमें चाहिए 2500 ग्राम, और फिर 16 से लेके 12.5 mm पर रिटर्न हमें चाहिए 25 ग्राम, तो दोनों सीव पर हम रुका हुआ 2500 ग्राम सैंपल बना लेते हैं। इस प्रकार से 2500 ग्राम सैंपल हम अलग अलग कर लेते हैं, और इसको मिक्स करके 5 kg सैंपल बनाते हैं, और फिर इसको लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू मशीन में डालते हैं। आपको जो लॉस एंजलिस एब्रेशन मशीन होती है फ्रेंड, उसमें जो इसका ड्रम होता है या रोलर होता है, उस आपके जो रोलर ड्रम होता है फ्रेंड,
एब्रेशन वैल्यू टेस्टिंग मशीन का, उसमें एक फेस आपका बोल्ट्स की हेल्प से आपको ओपन करने के लिए दिया हुआ था। इस प्रकार से आप ओपन कर लेते हैं और इसमें जो सैंपल्स हैं आपके 25 से 25 ग्राम इस ड्रम के अंदर इस प्रकार से डाल देते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अंदर से हॉलो है, इसके अंदर मैंने एग्रीगेट डाल दिया है। अब ये जो मेरे स्फेरिकल बॉल हैं, स्फेरिकल बॉल भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। और इस जो ओपनिंग है इसको दोबारा से बंद कर दूंगा। इसको मैं फ्रेंड एक पेपर भी लगा सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है जब ये राउंड होता है तो इसका जो डस्ट है वो उड़ता है, इसलिए मैं इसको एक पैकिंग कर दूंगा जिससे कि हमारा जो डस्ट है वो उड़ेगा नहीं और इसी के अंदर पैक्ड रहेगा। इस प्रकार से वापस से इसको टाइट कर दूंगा। फ्रेंड अब हम एक बार प्रोसीजर पढ़ लेते हैं कि आपको जब आप ड्रम के अंदर एब्रेशन मशीन के ड्रम के अंदर एग्रीगेट और स्फेरिकल बॉल जब डाल देंगे उसके बाद आपको क्या करना है। द टेस्ट सैंपल एंड द एब्रेसिव चार्ज सेल बी प्लेस्ड इन द लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। द मशीन रोटेटेड एट द स्पीड ऑफ 20 to 33 रेवोल्यूशन पर मिनट फॉर ग्रेडिंग ए बी सी एंड डी। द मशीन सेल बी रोटेटेड फॉर 500 रेवोल्यूशन फॉर ग्रेडिंग ई एफ एंड जी। इट सेल बी रोटेटेड फॉर 1000 रेवोल्यूशन completion of the test. The material shall be discharged from the machine and a preliminary separation of the sample made on a sieve coarser than 1.7 mm is sieve. देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर जो हमारी लॉस एंजलिस एब्रेशन मशीन रहेगी उसका जो रोटेशन की स्पीड रहेगी फ्रेंड, वो रोटेशन की स्पीड हमारी 20 to 33 रेवोल्यूशन पर मिनट होने चाहिए, और अगर हमारी जो एग्रीगेट की ग्रेडिंग ए बी सी या डी है तो हमें उसमें 500 रेवोल्यूशन या 500 रोटेशन देना है, और अगर हमारी ग्रेडिंग ई एफ या जी है तो हमें 1000 रोटेशन या 1000 रेवोल्यूशन देना है। ठीक है, 500 रेवोल्यूशन या 1000 रेवोल्यूशन जब आपके मशीन पे कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आपको जो अंदर से एग्रीगेट है उसको बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद आपको इस मटेरियल को 1.7 mm आईएस सीव से सीविंग कर लेना है। 1.7 mm आईएस सीव पर सीविंग कर लेने के बाद आपको फिर जो एग्रीगेट रहेगा उसको वाश करना है, धो लेना है, और अच्छी तरह वाश कर लेने के बाद इसको फिर से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन ड्राई होने के लिए रख देना है। फिर ओवन ड्राई होने के बाद इसका फिर से आपको वेट नोट कर लेना फ्रेंड। अब वेट जब आप फिर से ओवन ड्राई वेट आप नोट कर लेंगे तो इसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं। लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंट इन वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जांपल करते हैं, हमारा वेट ऑफ सैंपल था फ्रेंड वो था 5000 ग्राम। वेट आफ्टर टेस्ट वॉश एंड ओवर ड्राई, जब हमने उस पर 500 रेगुलेशन कंप्लीट कर लिए और उसको बाहर निकाला एग्रीगेट को और 1.7 mm आई एस सीव से जब उसको छान कर फिर उसको वॉश किया और फिर से ओवन ड्राई किया। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा वेट आया वो आया 4087 ग्राम। तो हमारा कैलकुलेशन इस प्रकार से बनेगा, द एब्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू 5000 माइनस 4087 ग्राम डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि आपको बिफोर रेवोल्यूशन और आफ्टर रेवोल्यूशन जो एग्रीगेट है उसके डिफरेंट आपको निकालना है। तो हमारा जो डिफरेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 913 ग्राम, और डिवाइड कर देना इसको टोटल वेट ऑफ सैंपल जो था हमारा 5000 ग्राम और मल्टीप्लाई 100, तो हमारी एब्रेशन वैल्यू हो जाएगी 18.26 ग्राम। और फ्रेंड एब्रेशन वैल्यू टेस्ट के लिए जो हमारी परमिसेबल लिमिट रहेगी वो होगी 40% से कम। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में।